फ्रेंड्स, मैं आर्यन हुसैन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे दीवानगी में। आज हम लोग बिगेस्ट बाछी काउज 2024 SDF का देखेंगे। आज हम लोग 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को देखेंगे, ठीक है। इससे पिछले ब्लॉगिंग में मैंने आप लोगों को 1, 2, 3 दिखाया था, आज 4वां, 5वां, 6 जानवर दिखाएंगे। तो ये आप लोगों का 4 नंबर का जानवर, अच्छे तरीके से देखें इस जानवर को, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। और ये सब जानवरों को मैं जब दिखा रहा हूँ, इससे फिर मैं 2 महीने के बाद जब आप लोगों को दिखाऊंगा ना, उसके बाद आप लोगों को इसमें ग्रोथ समझ में आएगी। जानवर का लुक देख रहे कितना खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शंस इस बार SDF के द्वारा सादिक डेरियन कैटल फार्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा कलेक्शंस लेकर आए हैं भाई हमारे, ठीक है। तो चले अब आहिस्ते आहिस्ते इस जानवर को हम लोग बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं इसकी खूबसूरती को, कि क्या बनावट है और क्या मतलब खूबसूरती इसकी पूंछ की उभार देख रहे हैं आप लोग। चले पहले जानवर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से इस जानवर को देखते हैं। ये देखिए, तो बैक साइड में जो आपका जो वॉल में ये जो ब्लू सादा का जो टचअप आ रहा ना भाई, वाकई लेकिन भाई का लेकिन माइंड जो है ना अलग लेवल का है। ये देखिए, चले भाई, ये बहुत ही खूबसूरत सी जानवर। अगर आप लोग इसकी गर्दन में झालरों को देख रहे होंगे, एक लरीदार आ रही है, ठीक है ना, लाइनिंग की तरह, ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है भाई। मतलब जानवर जो है ना एकदम पेपर थिन स्किन वाले जो मामले रहते हैं ना, मतलब पूरा फुल टू यू, इसमें अभी पूरा मसल्स है भाई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जानवर की छाल देखे, जानवर का मतलब बनावट देखे, बहुत ही खूबसूरत सी है। आप लोगों की बहुत ज्यादा आपका एक से दो बयान का ये जानवर होगा मुझे तो लग रहा है भाई। हाँ, ये 1 से 2 बयान का जानवर है भाई, बहुत ही खूबसूरत सी गाय है ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आज। तो देखिए भाई, जो जानवर बाछी रहेगी मैं उसे बाछी खाऊंगा, ये लेकिन आपकी गाय है, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे कि मैंने पहले भी कहा भाई कि 1 से 2 बयान के जानवर को आमतौर पे लोग बाछी ही कहते हैं भाई, कि 2 बयान का जानवर है। 3 बयान से जब ज्यादा हो जाता है ना जानवर, तब फिर उसे पर्टिकुलरली तौर पे एक गाय बोली जाती है, ये आम जबानों में। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली देखें तो भाई ये एक गाय है, ठीक है, जो मतलब जो भी एक बार भी अगर बच्ची को जन्मी है तो वो गाय कही जाएगी। और जो एकदम प्योर बाछी होते हैं, मतलब उसने एक बच्चे भी तक जन्म नहीं दिया। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी है, आप लोगों के सामने एक गाय दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी गाय है, बेहतरीन सी जानवर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों का काउ नंबर 4 है। अब आप लोग कहिएगा काउ नंबर 3 कहाँ है भाई, ये उन भाइयों के लिए जो स्किप करके देखते हैं। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि पहले मैंने 1, 2, 3 काउस को दिखा दिया है, ये आप लोगों का 4th नंबर का जानवर, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन झालर देखे, पतली झालर की जानवर है और बहुत ही शेप, मतलब एक वेल शेप्ड जानवर है भाई, माशाल्लाह। इस बार जब मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि सादिक डेरियन कैटल फार्म का कलेक्शन को आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी ये सब जानवर को आप लोगों जो देख रहे हैं ना, इस जानवर को इस हिसाब से जज मत कीजिए, ये जस्ट मैं आप लोगों को कलेक्शन दिखा रहा हूँ। ये सब जानवर को जब 2 महीने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उस वक्त रेट भी ओपन हो जाएगा और जानवर भी टाइट हो जाएंगे एकदम बनकर, ठीक है ना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन चीज़, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा कलेक्शन हम लोगों को देखने को मिल रही है मानिक भाई के कैटल फार्म में, जो कि सादिक डेरियन कैटल फार्म है, ठीक है। तो किसी दिन जब मैं इसका नेक्स्ट ब्लॉगिंग बनाऊंगा ना, तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से रास्ता भी गाइड कर दूंगा कि कौन से पोजीशन में आप लोगों का हमारे मानिक भाई का कैटल फार्म है। जो भाई लोग यहाँ पर जा चुके हैं उन्हें तो बेहतर पता है, और जो नए भाई जो अभी मेरे ब्लॉगिंग को देख रहे हैं वो भी आकर देख लेंगे। तो चलें, इसी के साथ साथ हम ये 4th नंबर का जानवर को अंदर की तरफ रखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कैटल फार्म, एक बहुत ही बेस्ट सजावट, मतलब एक अच्छा पोजिशनिंग के हिसाब से यहाँ पे सबको सेटिंग किया गया है भाई, ठीक है ना। गाय की जो लाइन है वो पीछे की तरफ में है, बैल का लाइन सामने की तरफ में है, और आप लोगों का जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो पोजिशन है, जो कुंडियाँ हैं, वहाँ पे कैंकरेज का लॉट आने वाला है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा कलेक्शन, ये देखिए खूबसूरत सा जानवर। तो 4th नंबर को जानवर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर के जानवर की तरफ में। आइए ये देखिए फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सी जानवर, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भाई, ये जानवर पूरी की पूरी वाइट है। अभी ये उसमें शेडिंग आ रही है ना, ये आप लोगों की हल्की ग्रेश बन की, तो ये गर्मियों के मौसम में जब अच्छे तरीके से गर्मी जब पूरे अपने तापमान में होगी ना, तो ये सब जब रुएं चमड़ा डाना जब पड़ेगा इन पर, और जब इनके रुएं जब गिरेंगे ना, तो ये सब जानवर में एक बहुत ही खिल कर इनकी रंगत हमारे सामने आएगी, ठीक है ना। तो इस जानवर को ग्रे ना समझिए, ये जानवर वाइट है, ठीक है। तो ये मामले होते हैं जानवर को तैयार करने के दरमियान में इस तरीके के। ये देखिए खूबसूरती देखे भाई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा कलेक्शन सादिक डेरियन कैटल फार्म, माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट कलेक्शन इस बार, और बहुत ही
मैं कह सकता हूँ भाई कि नस्ली जानवर को इस बार लाया गया है और बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो पिछले साल भी माशाल्लाह अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, लेकिन इस साल मैं कहूँगा भाई कि पिछले साल से बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है इस बार। ठीक है ना, ये देखिए खूबसूरती देखें, बनावट देखें, और जानवर की अगर जानवर को जो पहचानने वाले रहेंगे ना भाई, वो जानवर के बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर समझ में आ जाएगा कि जानवर कैसा है। ठीक है ना, देखिए जानवर में एक बल्की बनाना वो अलग मैटर रहता है, लेकिन पहले देखना पड़ता है कि जानवर का स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो जानवर है ना भाई, ये रेडी फुल्ली मतलब एकदम ठसा हुआ मसल्स वाला जानवर है। अब ये जानवर जब तैयार होंगे ना, तो ये जानवर एक अलग उभार में आएगी और अलग खूबसूरती में आएगी। तो पेट्स दीवान की चैनल में आप लोगों को इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलता रहेगा, और कट टू कट बात भाई एक जानवर को लेकर ज़बरदस्ती का 20 मिनट 25 मिनट मैं नहीं टालता हूँ। हर वीडियो में मैं 3 जानवरों को रखा हूँ, और वीडियो ड्यूरेशन आप लोग देख रहे होंगे 10 से 12 मिनट, बहुत ज़्यादा मैक्स 15 मिनट इनफ है। ये देखिए ये खूबसूरत सी आप लोगों के 5वां नंबर का जानवर, बहुत ही बेहतरीन जानवर माशाल्लाह। तो ये देखिए भाई, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। ठीक है ना, तो माशाल्लाह जो हम लोग कहते हैं ना भाई, तो इसके पीछे भी एक वजह होती है भाई कि हम उस अल्लाह की तारीफ को कर रहे हैं ना। मतलब दुनिया में जो भी तारीफें हैं ना भाई, वो सब अल्लाह के लिए, फिर चाहे आप किसी फूल की करें, किसी की भी करें, वो अल्लाह ही पे आएगी। वजह यह है क्योंकि बनाने वाला की जो बनावट है भाई, वो तारीफ जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो उस बनाने वाले ही के लिए। इसे बनाया कौन है? उस रब्बे करीम ने। ठीक है ना, तो तारीफ किसके लिए हुई? अल्लाह के लिए। तो माशाल्लाह, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन, बहुत ही उम्दा चीज जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार हमारे जो आप लोगों के 2024 में यहाँ से जो कलेक्शंस निकलेंगे ना, एक अलग रुआब, एक अलग पहचान और अलग खूबसूरती लेकर निकलेंगे। ये देखिए बेहतरीन कलेक्शन, बहुत ही उम्दा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब ये सब जानवर जो जो निकल रहे हैं ना भाई, अच्छे तरीके से आप लोग देख लें, और इस जानवर के चेंजेस को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को 2 महीने के बाद, जब ये जानवर पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे, ईद के बाद इंशाल्लाह, या फिर हाँ ईद के बाद ही, ईद के बाद मैं इन तमाम जानवरों का वीडियो फिर से एक बार स्लॉट का वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या चेंजेस आई है जानवरों में। ठीक है ना, अभी फिलहाल आप लोग जानवर को नंबरिंग के हिसाब से गाइड कर लें, और इंशाल्लाह इसी नंबरिंग के हिसाब से हम लोग वो तमाम जानवरों को फिर से निकालेंगे, ताकि आप लोगों को नंबर नंबर में एक मतलब डिफरेंसेस समझ में आएगा कि कितना जानवर बना है और जानवर में कितनी ग्रोथ आई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन जानवर। तो चलते हैं भाई, अब हम लोग 6वें नंबर के जानवर की तरफ चलते हैं, जो कि इस ब्लॉगिंग का मतलब आप लोगों का आखिरी जानवर, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए, देख रहे हैं ना भाई, जितने जानवर निकल रहे हैं सब मतलब नस्ली जानवर निकल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत से जानवर निकल रहे हैं। बनावट देखें, पहचान देखें भाई, जानवर की चाल देखें, एक अलग खूबसूरती, एक अलग पहचान भाई, देख रहे हैं ना। तो ये जो पहचान जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आपकी मतलब जानवर की नस्ल पर है। तो ये जानवर जो आप लोग बेहतर जान रहे होंगे कौन सी नस्ल की है, तो आप लोग समझ रहे होंगे ये सब हरियाणा के वो जानवर है ना भाई, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये ग्रोथ में भी अपने आप को बड़ा करेंगे। हरियाणा की पहचान ये होती है ना कि इसका जो सामने का पोजीशन होता है नाक का, वो एकदम स्ट्रेट रहता है। नाभी अगर देख रहे होंगे, इसका बॉडी एकदम सटा हुआ है, जो थरपारकर होंगे ना उसमें नाभी थोड़ा सा लटका हुआ रहेगा। ये सब कुछ डीप नॉलेज है जो हर कोई नहीं देगा, सिर्फ गुरु दिखाना, गुरु दिखाना, गुरु नहीं, गुरु के साथ साथ उसके नस्ल को भी बताना पड़ता है और उसके असली तौर पर बताना पड़ता है कि क्या मामले हैं। ये हरियाणा का वो जानवर देखिए, इसकी नाभी की देखें, उभार को देखें, एकदम पेट से सटा हुआ है, और इनके मिजाज में थोड़ी सी गर्मी रहती है, मतलब थोड़े से गर्म दिमागी ये जानवर होते हैं। ठीक है ना, कब छटक जाए कोई हिसाब नहीं। लेकिन थरपारकर, जिसे आमतौर पर लोग कहते हैं प्योर पंजाब ब्रीड, नहीं, थरपारकर एक अलग ब्रीड है। ठीक है, राठी एक अलग ब्रीड है, नगोरी एक अलग ब्रीड है, सबका अलग अलग ये है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ मामले रहते हैं ब्रीड्स में। तो आमतौर पर लोग उसे पंजाब कॉक कह देते हैं, मेरा बेहतर ये होगा कि उसे हरियाणा कॉक कहें, और हरियाणा में भी एक हरियाणा नस्ल होता है जो ये सब है, जिसे प्योर हरियाणा कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके के आप लोगों को हरियाणवी जानवर भी एक पर एक मिलेंगे। ठीक है, माशाल्लाह हरियाणा नस्ल में भी आप लोगों को एक उम्दा मतलब नस्ल मिलेगा, जो कि अलग लेवल का रहता है। जो प्योर हरियाणा रहेंगे ना उसकी, ये देखें इस तरीके के मामले रहते हैं। सर के ऊपर एक छोटा सा एक पोल टाइप का आपको मिलेगा, हल्का एक उभार, ये अपने आप में जब थोड़ा सा हाइट और पकड़ेगा ना, तो वो पोल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सामने की पोजीशन अगर इसका चेहरा देखें, एकदम पतला चेहरा होता है हरियाणा का, और उस नस्ल में भी एक नस्ल होता है, एक ब्रीड लाइन, जो बेस्ट ब्रीड लाइन निकलता है, जो एकदम पुरानी नस्ल है,
वो जो आप लोगों को कुछ बहुत एक्सपेंसिव कैटल फॉर्म्स में आप लोग देखे होंगे कि वो जो खूबसूरती रहती है ना, वो फिर इस, ये भी हरियाणा है, वो भी हरियाणा है, लेकिन वो ओल्ड लाइन है भाई, वो पक्का ब्रीड लाइन है जो एकदम नस्लीय नस्ल में, मतलब कभी मिक्स एंड मैच नहीं हुआ है। इन सब जानवरों में थोड़े से थरपारकर का टच आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, मतलब ये बॉडी स्ट्रक्चर से पूरा आप लोगों का हरियाणा का लुक लिया हुआ है, ठीक है ना। तो और जो हाइट के मामले में अभी तक ये थरपारकर के हिसाब से गया है, बाकी अगर ये हरियाणा लुक में आएगा ना तो इसकी जो सीना तान कर खड़ा रहेगा। तो कुछ मिक्स एंड मैच भी रहते हैं, लेकिन दोनों नस्ल अपने में आप है, उससे बनने वाले ये इस तरीके की जो तीसरे नस्ल होते हैं ये तो और भी अलग चीज़ होती है, जिसमें थरपारकर और हरियाणा का टचअप हो, ठीक है। तो थरपारकर और हरियाणा दो बहुत ही बेहतरीन नस्ल हैं जो हमारे सामने आमतौर पर आते हैं। स्टडी कीजिए भाई, पता कीजिए, जिस लाइन में उस लाइन को जानिए, पहचानिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा, तब मजा आएगा, ठीक है ना गाइस। तो ये आप लोगों का आखिरी जानवर जो कि बहुत ही खूबसूरत सी जानवर है, छठे नंबर की जानवर, सादिक डेरियन कैटल फॉर्म से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पैटर्न बहुत ही खूबसूरत, बनावट बहुत ही बेहतरीन, जानवर बहुत ही उम्दा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह। तो आज की जो हम लोग तीनों जानवरों को देख रहे हैं ना, सब के सब अपने में आप हैं, ठीक है। तो मैं फिर सुन भाइयों को कह देना चाहता हूँ, भाई जो भाई लोग कॉल नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जाकर देख लें, वहाँ पे आप लोगों को तीनों जानवर मिल जाएंगे। उसके बाद से इस ब्लॉगिंग शुरू हुआ है, जहाँ 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर है, और ये आप लोगों का आखिरी जानवर जो कि 6 नंबर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना गाइज। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इनकी मिजाज में थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन थरपारकर को अगर आप निकालेंगे ना, थरपारकर बहुत मोहब्बत से निकलेगा एकदम, उसमें मतलब बहुत ठंडे मिजाज के होते हैं। तो मिजाज मिजाज की बात है भाई, दरिया का पानी मीठा होता है, ठीक है ना, नहीं आमतौर पर हम लोग रिवर का पानी को हल्का खरा बोलते हैं, चलिए समुंदर और नदी के पानी से मिलाते हैं। समुंदर का पानी आप लोगों का थोड़ा सा नमकीन होता है, और जो आप लोगों के नदी का पानी होता है ना भाई, वो बहुत ही मीठा होता है। मिजाज दोनों का अलग है, दोनों पानी है, तो वैसे ही नस्ल अलग होती है, लेकिन पहचान भी अलग रहती है। जैसे कि हरियाणा का मिजाज थोड़ा सा गर्म होता है, और थरपारकर का मिजाज जो होता है थोड़ा ठंडा होता है। नस्ल पहचाने, नस्ल को जाने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मेरी तमाम वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।